नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ यथार्थ सिंह सेंगर। आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत। चलो नजर डालते हैं आज की एक अहम खबर की ओर। जालौन जिला में गांजा तस्कर महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के दौरान आज फिर से एक अहम सफलता माधवगढ़ पुलिस को मिली है। संबंधित मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद के माधोगढ़ कोतवाली प्रभारी बीएल यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी में अवैध गांजे की तस्करी कर अन्यत्र प्रदेश से लाया जा रहा है, जिससे के पंचायत चुनाव में इस्तेमाल की आशंका है। सूचना मिलने पर माधोगढ़ पुलिस ने क्षेत्राधिकारी माधोगढ़ शाहिदा नसरीन के नेतृत्व में घेराबंदी कर एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका तो उसमें सवार कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, लेकिन एक महिला तस्कर गिरफ्तार की गई। स्कॉर्पियो गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें 5 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार की गई महिला तस्कर का नाम सीमा देवी पत्नी अरुण सिंह बताया गया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार की गई महिला तस्कर के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। जालौन से सुमित कुमार सलोनिया की रिपोर्ट।